बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे आज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्लास 8 है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 and 1/2, -2/5 and 1/2। यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या करना है, -2/5 and 1/2 के दरमियान आपको 10 रेशनल नंबर निकालने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो दो गिवन नंबर्स है, यानी गिवन नंबर्स हमारे पास है -2/5 and 1/2। दीज आर द टू गिवन नंबर्स। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो इनके डिनोमिनेटर है वो हम सेम बनाने की कोशिश करेंगे। जब हम इनको सेम बनाएंगे तो उसके बाद जो ये 10 रेशनल नंबर है ये हम बहुत आसानी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका ये एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 5 and 2, यानी जो डिनोमिनेटर है 5 and 2, इनका हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, वो बनता है यहाँ पे 5 2 10। तो उसके बाद हम करेंगे डियर फोर, सबसे पहला नंबर है हमारे पास -2/5, इसको हम यहां पर मल्टीपल करेंगे 2/2, यानी आपको 2 2 4 -4, इसी तरह 5 2 10, यानी इसका डिनोमिनेटर आ गया, जो -2/5 था उसका डिनोमिनेटर बन गया यहां पर 10। इसी तरह जो 1/2 है उसका डिनोमिनेटर भी 10 होना चाहिए। इसी तरह हम लिखेंगे दूसरा नंबर जो है हमारे पास वो है 1/2, इसका हम मल्टीपल करेंगे 5/5, वो बनता है 5 1 5 और 2 5 10। यानी अब हमारे पास दो नंबर बन गए, जो -2/5 था, -2/5 का नंबर हमें बना यहाँ पे -4/10, और इसी तरह जो 1/2 था उसका नंबर बन गया यहाँ पे 5/10। अब जो ये दो नंबर्स हैं इसका भी डिनोमिनेटर यहाँ पे 10 आ गया, और जो दूसरा नंबर 1/2 इसका डिनोमिनेटर भी यहाँ पे 10 बन गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे -4/10 और 5/10 के दरमियान हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 नंबर निकल सकते हैं। अगर नहीं निकले तो फिर हम इसको कंटिन्यूसली करेंगे, अगेन मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनता है, फिर हम करेंगे इसको, अभी ये 10 नहीं निकल सकते यहाँ पे, इसी तरह हम करेंगे इसको यहाँ पे डबल करेंगे, 4 4 4 बन गए 8, -8 इसी तरह 10 10 बन गए 20। इसी तरह इसको भी यहाँ पे हम डबल करेंगे, 5 5 हो गए 10 डिवाइड बाय 10 10 20। अब हम आसानी से -8/20 और 10/20 के दरमियान 10 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इस तरह डियर फोर 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 and 1/2 और वो है 10/20 के नीचे क्या है, 9/20, 8/20, 7/20, 6/20, 5/20, इसी तरह 4/20, 3/20, 2/20, इसी तरह माइनस के भी कुछ लिखेंगे हम यहाँ पे, -1/20, -2/20 एक्सेट्रा। हमें 10 ही निकालने हैं, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने 10 रेशनल नंबर लिखे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कि आपको यहाँ पे 10 रेशनल नंबर निकालने हैं, माइनस
टू बाई फाइव एंड वन बाई टू के दरमियान। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास जो गिवन नंबर्स थे, गिवन नंबर्स हमारे पास है माइनस टू बाई फाइव एंड वन बाई टू, मगर जो ये नंबर्स हैं यहाँ पे रेशनल नंबर्स, इनके जो डिनोमिनेटर है वो मुख्तलिफ है, तो इसी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके जो डिनोमिनेटर है वो हमें सेम बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे जो फाइव एंड टू था इन दो रेशनल नंबर्स का, तो जो इनका ये डिनोमिनेटर था मैंने एलसीएम यहाँ पे निकाला, एलसीएम ऑफ फाइव एंड टू वो बन गया दस, फाइव टू हजार टेन। तो अब आपको क्या करना है, यानी आपको इस नंबर को कुछ मल्टीपल करना है ताकि उसका डिनोमिनेटर 10 बन जाए, और इसी तरह इस नंबर को भी कुछ मल्टीपल करना है ताकि इसका डिनोमिनेटर भी 10 बन जाए। तो वही मैंने यहाँ पे किया। तो पहला नंबर जो था हमारे पास वो माइनस टू बाई फाइव, माइनस टू बाई फाइव को मैंने यहाँ पे टू बाई टू मल्टीपल किया, वो बन गया यहाँ पे टू टू हजार फोर माइनस फोर और फाइव टू हजार टेन, यानी इसका जो डिनोमिनेटर आ गया वो बन गया 10। इसी तरह दूसरा नंबर जो था वन बाई टू, उसको मैंने यहाँ पे मल्टीपल किया फाइव बाई फाइव, और इसका ये बन गया फाइव वन हजार फाइव और फाइव टू हजार टेन, इसका डिनोमिनेटर भी बन गया यहाँ पे 10। तो जब मैंने यहाँ पे चेक किया कि माइनस फोर बाई टेन और फाइव बाई टेन के दरमियान मैंने कोशिश की कि 10 रेशनल नंबर निकाल सकूं, मगर वहां पे सिर्फ आठ या नौ निकले, तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको यहाँ पे डबल किया, वो बन गया चार चार आठ और टेन टेन बन गए 20, और इसी तरह यहाँ पे पांच पांच दस, दस दस हो गए 20। तो अब ये दो नंबर नए बन गए माइनस एट बाई ट्वेंटी और टेन बाई ट्वेंटी, इसका डिनोमिनेटर भी आ गया 20 और इसका नंबर भी आ गया 20। अब हम आसानी से, यानी अब आपको 10 और माइनस आठ के दरमियान जब आप नंबर लाइन में देखते हैं कि 10 ये पॉजिटिव नंबर है और माइनस आठ जो है ये नेगेटिव नंबर है, जब हम नंबर लाइन पर देखते हैं यानी बीच वाले नंबर आपको लिखना है वही यहाँ पे रेशनल नंबर है, तो वो क्या है, वो है माइनस, वो है नाइन नाइन बाई ट्वेंटी, एट बाई ट्वेंटी, सेवन बाई ट्वेंटी, सिक्स बाई ट्वेंटी, फाइव बाई ट्वेंटी, फोर बाई ट्वेंटी, थ्री बाई ट्वेंटी, टू बाई ट्वेंटी, माइनस वन बाई ट्वेंटी, माइनस टू बाई ट्वेंटी, यानी आप माइनस सेवन बाई ट्वेंटी तक लिख सकते हैं, मगर आपको सिर्फ 10 ही लिखना है। तो ये हैं 10 रेशनल नंबर जो आपको निकालने थे। तो लास्ट पर यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जो कोविड है आप सब जानते हैं कि इससे किस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमें। सो मेहरबानी करके अपने आप को ठीक रखें, साफ सुथरा रखें, ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। थैंक यू।